नमस्कार पॉजिटिव भारत सहित मु विकास बुलेटिन आरंभ करबा हले प्रथमे हेडलाइंस काम देउची कोरोना वैक्सीन टीका नेथवा व्यक्ति हॉस्पिटल ले भर्ती हेबा आशंका कम विशेषज्ञ को मतरे एबेटु सतर्क रहिले 6 मास मध्येरे मिलिबो कोरोना रो मुक्ति ट्विन सिटी रे एबे भी नियंत्रण बाहरे कोविड संक्रमण कटक खानगर में संपन्न होगा विजिलेंस निर्देशक देवाशीष पाणिग्राही शेषकृत्य कोरोना आक्रांत हो प्राण हर देवाशीष जून 8 में एक्मो कोलकाता को होते एयरलिफ्ट आरपारी डाक्तर गुरुप्रसाद महापात्र देशु कोरोना छड़ाई नेला आउ जे सुजोग्य संतान विमानबंदर भित्तिमि विकास बड़ भूमिका सुरट में कठिन बर्ज्य परिचालन में मडेल को मिलता प्रशंसा गुरुप्रसाद देहांत प्रधानमंत्री शोक पूरी परी राज्यर विभिन्न स्थान रे हेउ रथयात्रा सरकार विकल्प व्यवस्था करबाकू दाबी कले वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय महापात्र कहले रथयात्रा को नहीं ओडिशावासी मन में रही भावावेग कमुची संक्रमण आज राज्य में 3427 नुआ पॉजिटिव खोर्धार सर्वाधिक 553 केस पुणी 42 जीवन नेला भाइरस कोरोना जनित मृत्यु संख्या 3550 को वृद्धि एवं मने पड़े मिल्खा आरपारी रे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह कोरोना 91 वर्ष बयस देहांत प्रधानमंत्री कहले हरु जड़े महान खेला एशियान गेम्स रे 4 थर स्वर्ण पदक विजेता थे आसवा संपूर्ण खबर को देश में कमिबारे लगुच्छी कोरोना संक्रमण या छड़ा मृत्यु संख्या भी ह्रास पाँच गत 24 घंटा रे देश में 60753 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती या मिसाई देश में मोट आक्रांत संख्या 2,98,23,546 पहुंची एथस गत 24 घंटा कोरोन मृत्युमुखर पड़ती 1,647 जन या मिसाई देश में मोट मृतकों संख्या 3,85,137 पहुंची सेपर गत 24 घंटा कोरोना सुस्थ होती 97,743 जन एवं स्थिति में देश टीकाकरण को भी बेस गुरुत्व दि जाऊँगी गत 24 घंटा जहाँ सूचना रही 33,85,000 जन को टीका दि जा सबटे कमिबारे लगी कोरोना संक्रमण तेणु चलित सप्ताह राज्यगुड़िक कोरोना कटकणा कोहल करबा आरंभ करचंती जीविकार सुरक्षापाई नीति नियम दुकान बजार खोलिबाकू केन्द्र तरफ अनुमति मिलिबाकू जाउछि किंतु कटकणा कोहल नियंत्रण हरैले संकट बढ़िबो बोली केन्द्र सरकार राज्य एवं केन्द्र शासित अंचलगुड़िक चेतावनी देइछंती एहि संबंध में केन्द्र गृह सचिव अजय भल्ला सबू राज्य सरकार को चिठी लिखिछंती आउ ए चिठी माध्यम रे राज्य सरकार मानंकु 3T पॉजिटिव फॉर्मूला अपनेबा को कहिछंती कटकणा को कोहल करबा समय रे टेस्टिंग ट्रैकिंग ट्रीटमेंट अर्थात 3T एवं भी बा वैक्सीनेशन को ध्यान रे रखिबा पई मध्ये से परामर्श देइछंती समस्त प्रकार रो कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान रे रखिबा को राज्य सरकार को से कहिछंती एति सहित संक्रमण ह्रास पाउथले सुधा कोनोसी जांच प्रक्रिया रे अवहेला एवं जिला जेपरी न करा जाय सेति पई ध्यान रखिबा को कहिछंती काहे किना स्थिति केबे भी बदलि पारे सेपटे अनेक दिन व्यवधान पर लॉकडाउन को हटाई तेलंगाना सरकार द्वितीय लहर में कोरोना आक्रांतों संख्या कम होता बेले नजर रखी तेलंगाना सरकार समस्त कोरोना कटकणा हटाई देती सरकार लॉकडाउन समय लागू होता समस्त प्रकार नियमावली को संपूर्ण रूपे हटाइबा को समस्त विभाग को निर्देश देती लॉकडाउन को संपूर्ण रूपे हटाइबा राज्य कैबिनेट निष्पत्ति नहीं कोरोना आक्रांतों संख्या राज्य में जेहेतु कम होपर पॉजिटिविटी हार ह्रास पाई नहीं कि अपडेट रही कोरोना संपूर्ण नियंत्रण को आसी बोली मेडिकल कर्तृपक्ष रिपोर्ट को जांच करा जाए कैबिनेट पक्षर यह निष्पत्ति नि लॉकडाउन हटाइबा को निष्पत्ति नहीं तेलंगाना मुख्यमंत्री कार्यालय फेसबुक पोस्ट कर आज होता राज्य कैबिनेट बैठक में आसंता का सका 6 आरंभ हो लॉकडाउन को संपूर्ण रूपे हटाइबा को निष्पत्ति नि लॉकडाउन हटा सह राज्य नाइट कर्फ्यू रही बोली तेलंगाना सरकार जन
ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3,427 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ, ପୁଣି 42 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। 42 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 6 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଯଦି ଦେଖିବା କଟକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ପୁରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 513 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, କଟକରୁ 396 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯାଜପୁରରୁ 285 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 261 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କାମ ଦେଉଛି କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏବେଠୁ ସତର୍କ ରହିଲେ 6 ମାସ ଭିତରେ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ କରୋନା କଟକଣା ମାନି ଚଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ। କାମ ଦେଉଛି କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍। ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ 0.04% ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଓ 0.03% ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେଇ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ଭିକେ ପଲ୍ କହିଥିଲେ ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 75-80% କମ୍। ସେହିପରି ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକତାର ସମ୍ଭାବନା 8%। ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ୍ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହଉ କିମ୍ବା କୋଭିସିଲ୍ଡ ହଉ, ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି 0.03% ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ପରେ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ପରେ 0.04% ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ସେଥିରେ। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଯେଉଁ ଡାଟା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କମ୍ପାରେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର US ଡାଟା ସାଙ୍ଗରେ ବି କମ୍ପାରେବୁଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି 0.06-0.5% ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏବେଠୁ ସତର୍କ ରହିଲେ 6 ମାସ ଭିତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ କରୋନା। ତୃତୀୟ ଲହର ବେଶୀ ବଡ ଧରଣର ରୂପ ନେଇ ନପାରେ, ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିବା ବେଳକୁ ହାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆସିଯାଇଥିବ। ଏହା ସହ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଡ୍ରାଇଭ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶା ବହୁତ କ୍ଷୀଣ। ତେବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବା ପରେ କାହିଁକି ହେଉଛି ସଂକ୍ରମଣ? ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ 2ଟି ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ ହୋଇଛି କରୋନା? 2ଟି ଡୋଜ୍ ନେବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ହେଉଛି ସଂକ୍ରମଣ? ଏସବୁ ଉପରେ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି। ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଯୋଉଟା ଆମର ଗଲା ସେଥିରୁ ଆମେ ଟିକେ କମିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆହୁରି ଆମେ ଫର୍ଦର 6-7 ମାସ ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଟୋଟାଲି ଆମେ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା ଯଦି ଆମେ ଏବେଠୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବା ଆନଦର 6 ମନ୍ଥସ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ସିଭିରିଟି କମେ ଲିଟରେଟରେ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କମିଟି ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିବେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ 2 ଡୋଜ୍ ପରେ ହେଇଛି, ତା'ପରେ 2 ଡୋଜ୍ର କେତେ ଦିନ ପରେ ହେଇଛି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ, କାରଣ ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଫର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ଆଂଶିକ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, 4,000 ତଳେ ଆସୁଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଗିପାରୁନି ବ୍ରେକ୍। ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଅନୁସାରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି। ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ବା TPR ଅନୁସାରେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି 5 ଜିଲ୍ଲା। ଯାଜପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ TPR 19.2 ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସେପଟେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍କୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଭୟ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଲହର ବେଶୀ ବଡ଼ ଧରଣର ରୂପ ନ ନେଇପାରେ, ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3ରୁ 4 ମାସ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ବା ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ହାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆସିଯାଇଥିବ ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ବେଳେ। ସେରୋ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ 75% ବଢ଼ାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶା ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ରହିଛି, ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଡରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନଲକ୍ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଜ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବା ତାହେଲେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରଜ ମିଶ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଅନଲକ୍ କରିବା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ, ସେଇଥିଲାଗି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଖାଲି ଯେଉଁଟା 4 ଆୱାର୍ସ ୱିଣ୍ଡୋକୁ 6 ଆୱାର୍ସ ୱିଣ୍ଡୋ କରୁଛି, ସପିଂ ପାଇଁ 7 ଆୱାର୍ସ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼। ଖାଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି,
आज टोटाल लॉकडाउन ने भी लोक भिड़ देखते इवेन किसी काम नी लोक मैंने बुलुंट आउ अन्य दिन गुड़ाक मर्निंग में आज लगे जमी आप नर्माल डे बुलूं बाहर तेनालीराक टे लोक निजे कनसीय होगा पड़ो आपजे कनसीय ना निजे सफर करेंगे आप फैमिली मेम्बर सफर करेंगे केते गुड़े फैमिली वाइप आउट हो जाते छोट छोट पिलांकर पेरेंट्स वाइप आउट हो जाते अनाथ हो जाते पिला माने तेणु से मैंने प्रोडक्टिव इयर लोक मानकर डेथ हो जाए फैमिली मैंने डिवास्टेशन हो जाए तेणु से गुड़ाक आमको मन रखा पड़ो जी इतने कि आमको टी कष्ट पड़ो कष्ट कौन टे मास्क पिंधा दरकार ना बाहर को जवानी और क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करवा ये तीन चार आज मानिपर ये आराम से मानिपर से जी कर जो है सेकेंड डेव जो गला से आम टे कमीचे कि आहरी आम फर्दर छः मस सात मस बेलू आज पूरा टोटाली आम जंजाल मुक्ति पाई जदि आम एबिटे केयरफुल रहा अनदर सिक्स मंथ्स एटलिस्ट पॉजिटिव भारत आगे खबर जारी कि समय से छोटा ब्रेक रहा ब्रेक पर फेर खबर को संसद में बाचस्पति भाव में दुई वर्ष पूरा करचस्पति ओम बिरला एने शुभेच्छा और अभिनंदन जन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला प्रशंसा कर ओम बिरला कार्य गत दुई वर्ष मध्य अनेक से पदक्षेप नहीं जहाँ आम संसदीय गणतंत्र को अधिक समृद्ध करपटे देश में कोरोनार द्वितीय लहर थमापर संसद मौसुमी अधिवेशन आयोजन नहीं आशा करा तेबे एथिपाई संसद प्रस्तुत थिबा लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला एथिपाई समस्त प्रस्तुति सरी मंत्रिमंडल उपसमिति जेब चाहिए मौसुमी अधिवेशन लगी तिथि घोषणा हो संसद में कोविड गाइडलाइन पालन हो आम प्रस्तुति चूड़ांत हो सारी संसद अधिवेशन में अंशग्रहण करने को 445 जन सांसद टीकाकरण हो सारी से संसद सचिवालय समस्त कर्मचारी टीकाकरण कराई सारी एवं बाद जो सांसद और संसद कर्मचारी टीकाकरण न हो जून 21 से टीकाकरण बाचस्पति प्रतिक्रिया दो वर्ष संसद के कामकाज की दृष्टि से ऐतिहासिक भी रहे और परिणामदायक भी रहे सभी माननीय सदस्यों के सक्रिय योगदान से उनकी सक्रिय भागीदारी से संसद में कार्य उत्पादनता की दृष्टि से भी और कार्य निष्पादन की दृष्टि से भी हमने कोशिश की कि सदन में सार्थक चर्चा हो संवाद हो विचार विमर्श हो ताकि इस विचार विमर्श से जो मंथन निकले जो निर्णय हो उससे समाज का कल्याण हो और इसके लिए सबकी सक्रिय भागीदारी रही इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को दो वर्ष के कार्यकाल के लिए बधाई देता हूं। सर हमने देखा है कि अब तो एक भव्य नंबर से सरकार है तो ऑपोजिशन की आवाज को आप कैसे मतलब आप कैसे बैलेंस करते हैं कि सबकी आवाज जाए और कॉमन आदमी से जुड़े मुद्दे लोगों तक जाए। लोकतंत्र के अंदर कोशिश ये होना चाहिए कि बहुमत होने के बाद भी हम प्रतिपक्ष की सदस्यों की संख्या के आधार पर नहीं उनकी भावनाएं उनकी अभिव्यक्ति को पूरा सम्मान मिले इसलिए मैंने कोशिश की कि एक दल का भी मान्य सदस्य हो तो उसको पर्याप्त पर्याप्त अवसर समय समय पर संसद में दिया ताकि वो अपनी बात सदन के पटल के माध्यम से जनता तक पहुंचा सके और ये लोकतंत्र की विशेषता होनी भी चाहिए कि संख्या बल के आधार पर नहीं बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं निर्णय हो सर्वसम्मति से सबके मिलकर और सर्वसम्मति जब निर्णय होते हैं तो वो देश हित में होते हैं राष्ट्र हित में होते हैं लेकिन कभी किसी विधेयक पर किसी मुद्दे पर सहमति असहमति हो सकती है लेकिन कोशिश मैं ये करता हूँ कि अधिकतम विधेयकों पर सर्वसम्मति बनाए ज़्यादा पर्याप्त समय दें पर्याप्त अवसर दें और माननीय सदस्य भी अपनी बात को रखते हैं और सरकार से भी अपेक्षा की जाती है कि वो एक माननीय सदस्य की भी बात को गंभीरता से ले और उसको इनकॉर्पोरेट करें।
देशरे सोशल मीडिया बिजनेस करिवार अछि त भारतर आईन को मानिबा को पड़िबो। देशरे सोशल मीडिया साइट ट्विटर को एबे दिया जाइछि चरम चेतावनी। देशरे नियम सर्वोच्च एवं एहा को पालन करिबा को संसदीय स्थायी कमिटी ट्विटर को जणाइछि। नियम भंग करथिबारु काही कि जरिमाना आदय करा जिवानी बोली ट्विटर को प्रश्न करथिले संसदीय पैनल रो सदस्य माने। एहा स ट्विटर अधिकारी को पैनल सम्मुख रे हाजर हेबा को ओ सोशल मीडिया रो अपव्यवहार रोकिबा पई एक उपस्थापना देबा को मध्य कुआ जाइछि। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नेतृत्व रे ए कमिटी ट्विटर फेसबुक समेत अनेक सोशल मीडिया जॉइंट को डकाइछंती। ट्विटर इंडिया पब्लिक पॉलिसी मैनेजर ओ आईन परामर्शदाता पैनल आगे हाजर मध्य होइतिले। यास सोशल मीडिया रो अपव्यवहार ओ महिला को सुरक्षा उपरे विशेष गुरुत्व दिया जाउथबा पैनल को ट्विटर जणाइछि। हेले ट्विटर उपरे भारतर आईन को मानिबा पई कि जोर दिया जाउछि एवं चेतावनी मध्य दिया जाउछि। बुलेटिन समय छे एक छोट ब्रेक रो। ब्रेक पर फेर खबर को देश एपटे कोरोना सहित लड़ुचे सेपटे घाटी रे सेना आतंकवादी सहित लड़ुचे। घाटी रे सेना को लगातार भाव सफलता मिलू। आतंकवादी लिंक थिबा एक नार्को मॉडल बा अड्डा को ध्वंस कर भारतीय सेना। लगातार 24 घंटार सर्च ऑपरेशन परे घटनास्थल में पहुंचला भारतीय सेना एवं सेठारे व्यापक परिमाण में अस्त्रशस्त्र सहित हेरोइन मध्य जबत करा जाउछि। जा अपडेट आसुछि जे हेरोइन को लॉकडाउन समय रे जम्मू काश्मीर थिबा युववर्ग को केमिति भ्रष्ट करा जाई पारिबो तांका पाखरे हेरोइन पहुंचा जाई कि तांको आतंकवादी संगठन रे शामिल करा जाई पारिबो सेने के लक्ष्य रखा जाउतला। ता सहित स्थानीय युवक मानको आतंकी संगठन रे शामिल करा जाई कि तांको केमिति अमुनिशन बा अस्त्रशस्त्र जोगाई दिया जिवो सेने के मध्य बड़ धरणर एक प्लानिंग चलतला। जहां सेनार गुइंदा इनपुट परे आरंभ होइतला बड़ धरणर सर्च ऑपरेशन एवं सर्च ऑपरेशन परे अनेक गुड़िए तथ्य सामना को आसुतला एवं ए नार्को मॉडल मध्य सामना को आसला। जोठार सेना पहुंची कैंप को पूरा पूरी भाव ध्वंस करने सहित सेठारु हेवी आमुनेशन जबत करी। कहुची जो अनेक आतंकवादी सेठार थिले एवं ए नार्को अड्डा को जो माने चलाउथिले से सेठारु फेरार मारिछंती। सेमानक पछरे आउ एक टीम पठा जाई सेमानक खोजिया पई कि मध्य भारतीय सेना पक्षरु प्रयास आरंभ करा जाई। ২০২২ सुधा भारतीय वायुसेना सामिल हबो लड़ुआ विमान राफेल जेट। वायुसेना मुख्य आरकेएस भदौरिया शनिवार कहिछंती जे 2022 सुधा समग्र 36 राफेल युद्ध विमान को सामिल करबा पई आईएएफ लक्ष्य रखी। से कहिछंती टार्गेट हेउछि 2022। एने निष्पत्ति मध्य निया सरिछि। कोविड कारण किछि विमान डेलीवरी रे विलंब होइछि किंतु वायुसेना आसंता वर्ष रे ही राफेल को भारतीय वायुसेना रे सामिल करबे। यहा परे वायुसेनार बल निश्चित भाव द्विगुणित हेबो। तेलंगाना रे आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड अवसर यह कहिछंती वायुसेना मुख्य। In terms of time, we will be absolutely on time. And sir, second question, what is your current assessment with regards to the Eastern Ladakh situation border? Like I said, the talks are on. The 11th round had taken place. The next round of talks, there is some activity in terms of there is a proposal for div commander level talks. So those decisions will be taken. The first attempt is to continue with the talks and do the disengagement at the balance friction points. And of course follow it up with de-escalation. However, in parallel the ground realities are being monitored closely. Whatever is the reality across in terms of current leftover locations, deployments, any changes, that is being monitored closely. And yeah, the target is 2022. It is absolutely on target. In fact, I had mentioned earlier, except for one or two aircraft which were the minor delays because of COVID issues, but in fact some deliveries have been ahead of time. So broadly we are absolutely on target in the on the Rafale induction plan. On the operationalization plan, you are aware we are fully operational. The second squadron aircraft numbers have already come in. The squadron is already formed. बुलेटिन समय सरी पॉजिटिव भारत को यही रखा। नमस्कार।